Ooh, so I know I'm looking like a coolie, and that is my brand new cycle. So मेरा ब्लॉग ये अभी हम गुवाहाटी से आके जस्ट लैंडिंग के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. उसका रीज़न ये है कि हम बहुत बिजी था. आई वॉज रियली फोकस्ड. यहाँ से जाते जाते समय से ही सोच ही गया था कि नो ब्लॉगिंग एंड नो अदर स्टफ, ओनली शॉपिंग शॉपिंग. एंड अभी घर जाके दिखाएगा डेट हम क्या क्या लिया है. एंड अच्छी जगह हम लोग लेने आए. एंड बीच में बोला स्टोरी है, आई विल टेल यू. वेट, अभी तो इसको थोड़ा लोडिंग करेगा, उसके बाद घर जाएगा. देन उसके बाद प्रैक्टिस में मिल गया. एंड दिस इज साम ब्रो. एंड दिस जर्नी वॉज रियली ऑसम. बहुत ज़्यादा चीज़ सीखा है एकदम. योर कॉन्फिडेंस शुड बी रियली हाई. बहुत हाई होना पड़ेगा यार. अपना प्रदेश से अलग स्टेट में जाने के बाद कॉन्फिडेंस शुड बी वेरी हाई. आधा रास्ता मिला है एंड ये हमारा अरुणाचल. क्या अलग ही फीलिंग है ना. उससे से जाओ तो फाइनली आई एम हियर इन माय एकेडमी. हेयर स्टाइल भी क्या क्या हो गया. एंड ये सुबह को रास्ता से उठा है. लड़की बहुत स्मार्ट है. सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था. जो भी लड़की जॉगिंग कर रहा है सुबह सुबह, एक दिल में एक पा रहा था कि ये लड़की में कुछ बात है. तो वही अभी नाउ आई एम गोना शो यू एग्जैक्टली क्या क्या लिया है. चलो अजीत अनलोड करो. तो टोटल मेरा जो अमाउंट है जितना हम शॉपिंग किया है वो किया है मेरा टोटल 81,000. तो उसमें से है वो साइकिल का था. लो साइकिल का था 26,000. तो माइनस करने से आ जाएगा 54,000 का. तो हम डायरेक्ट क्रिकेट का ही डायरेक्ट सामान लिया है. तो ये अच्छी का है. तो सबसे पहला चीज़ है ये, दिस इज़ कॉल्ड एजिलिटी स्टिक. तो इसको लास्ट टाइम जब आसाम अगेंस्ट खेला था तब देखा था एजिलिटी स्टिक. तो इससे आपका एजिलिटी जो क्विक होगा, बोले तो आप थोड़ा बहुत क्विक हो जाएगा, थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, थोड़ा आपका मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड हडल. मेरे पास बराला हडल है. तो ये हम छोटाला लिया है. छोटाला का रीज़न ये है कि बराला में आप थोड़ा हाई जंप मार सकते हैं, छोटाला में थोड़ा क्विक जंप मार सकते हैं. बराला में हाई जंप विद क्विक थोड़ा नॉट पॉसिबल, तो इसलिए छोटाला लेके आए. तो ये लोग को मिक्स करके इसका तो ऑलरेडी मेरे पास लेदर है. और प्लस अभी हम लिया है ये DC क्या था भाई, हम लिया है DSC का बेड लिया है. तो उसका रीज़न ये है कि लास्ट टाइम वो भी अच्छी का बेड से खेला था. वो बेड हमको मज़ा लगा, उसका बैलेंस मज़ा लगा. तो इसलिए DSC का बेड लिया है. इसका बैलेंस हमको शूट करता है. तो लास्ट ईयर जब से हम थोड़ा प्रोफेशनल क्रिकेटर बना है, तो उस समय से जब मारुति में तो चलता है कि कुछ भी पेट पकड़ लो चलेगा, सब घुमाना है थोड़ा, एक मज़ा होता है. बट लेदर बॉल में थोड़ा आपको चाहिए बैलेंस, बेट का वेट, उसके बाद उसका हैंडल का साइज. तो वो सब हमको एक अजीब फील होता था. बट ये साल हमको मेरा बेट का बैलेंस पता चला. तो DSC बेट अभी से हम लेगा. और मेरा VDM का स्पॉन्सर है. तो DSC को हटा के स्टिकर को उससे लगा के हम इसमें VDM का स्टिकर डालेगा. और इसमें पूरा ये पूरा बैग में पूरा सामान ही सामान है. तो अभी एक एक करके आपको दिखाएगा. एंड दिस इज़ माई अकेडमी. एंड ये जो पोजिशन है, ये पूरा पोजिशन में हम पूरा आसाम, पूरा नॉर्थ आसाम गुवाहाटी में पूरा स्ट्रीट में घुमाए. प्लस रेलवे स्टेशन का तो बात ही मत करा यार. रेलवे स्टेशन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था. जो हम साइकिल लेके आया था उसका तो क्या बोलेगा. वो तो इलीगल है. साइकिल को आपको कुरियर बोलता है क्या, वो पैकेज करके ही आप उसको लेके जा सकते हैं. तो हम वो नहीं किया था, तो उसका वजह से. और आपको तो पता ही है, तू भी फ्रेंक क्या बोलेगा, इसमें तो बात छुपाने वाला बात ही नहीं है. हम लोग का जो आसाम पुलिस है या फिर कुछ भी है अरुणाचल का, थोड़ा देखने से समझ गया हुआ. तो बहुत टॉर्चर दिया है मेरा लाइफ में. हम फर्स्ट टाइम ऐसे हाथ जोड़ के, मेरा पर्स में ऐसा हाथ जोड़ा, सर प्लीज़ समझिए, थोड़ा रिक्वेस्ट है, जाने दीजिए, ऐसा किया. उसके बाद फिर नहीं माना, तो ऐसा किया, समझ जाओ. मतलब नीचे वाला नमस्ते भी किया, हाथ भी जोड़ा है.
तब फाइनली जाके कुछ कुछ कर लिया। तो असम में थोड़ा उसका एटीट्यूड थोड़ा हाई था, फिर अरुणाचल आते आते अपना एटीट्यूड हाई हो गया। तो चाय पानी के लिए आपको मंगाए, तो उसका आप किस्सा बताएगा। तो आपको आके बोला है चार आदमी है, थोड़ा चाय पानी के लिए आप दे दीजिए, आपका साइकिल को डिसमिस भी कर सकता था लेकिन नहीं किया है, अरुणाचल का है बोल के ऐसे से बोला था। तो वो चीज़ अच्छा लगा, तो चाय पानी के लिए मंगाया हमको चार आदमी के लिए। तो हम भी अरे दिल का बहुत अच्छा है भाई, हम भी बोला अल होगा ठीक है 100 रुपये ले लो बोल के। तो बोला चार आदमी बोला, तो हम मेरा रिप्लाई ये था कि हाँ चार आदमी है तो चाय पानी मांग रहा है तो चाय का कितना होता है 10 रुपये ही तो होता है, और 100 रुपये में तो समझ गया होगा। तो वाला बहुत वाला मजा ला एक पार्ट था। तो ऐसे ही होता है जब बाहर में होता है तो अलग होता है, उसके बाद अपना अरुणाचल पहुँचेगा ना ऐसी तो थोड़ा ऐसा वाला हो जाता है थोड़ा क्या है वाला। तो अरुणाचल तो नामने तो सारा 1 रुपया भी देगा वाला उसमें तो सारा ऐसे जब बोला आया वो टेंशन था रहे आया। हम तो इतना भी बोल लिया कि जब गुवाहाटी में था तब हम इतना भी बोल लिया कि असम अरुणाचल भाई भाई ऐसा बोल के हम बोले, तो थोड़ा समझिए ऐसा वाला। तो उसके बाद एक पार्ट तो ऐसा भी था कि हम बहुत टेंशन हो गया था, तो उसमें हम बोल ले कि आप लोग ऐसे करते हैं इसलिए तो हम लोग आसाम अरुणाचल में प्रॉब्लम होता है ऐसे बोल लिया। तो उसमें एक आदमी था वो समझे, तो जो कैजुअल जो नॉर्मल आदमी था जो वहाँ का पब्लिक था वो आके फिर आसाम इसमें वो उस आदमी को बात किया, उसके बाद जाके थोड़ा ऐसे ऐसे हुआ है, थोड़ा मज़ा हुआ है, बहुत तकलीफ था। अरे बाबा क्या देखा ये लाए थाई गार्ड, तो ये थाई गार्ड बहुत चलता है पूरा क्रिकेटर ये थाई गार्ड यूज़ करता है, तो लाइट इससे अच्छा आ रहा है, ये थाई गार्ड यूज़ करता है। मून वाला क्या भाई एसएल, ये मून वाला का थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है जो ऑनलाइन में मिलता है, तो ये लाया थाई गार्ड। ये एक्चुअली बोलेगा तो अच्छी नगा के लिए लाया क्योंकि उसको थाई गार्ड का जरूरी था, मेरे पास ऑलरेडी पहुँचा रहा है। तो मेरे पास इतना सामान है क्या बोलेगा कि हमको भी पता नहीं है कि मेरे पास कितना सामान है। तो ये वीडियो को देखिए प्लीज़, मेरे साथ डोनेशन मांगने मत आओ, मेरा एक एक सामान मेरा दिल का बहुत करीब है, हम उसको नहीं दे सकते हर एक सामान में, मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरी से। तो हम ऐसा आदमी है जो सामान को जमा करता है, छोटा का भी बहुत सा चीज़ ऐसा है जो हम अभी तक रखा हुआ है बक्सा के अंदर में, तो इसमें क्या शर्म ना। तो उसके बाद लिया है ये चेस्ट गार्ड, तो ये भी अच्छी के लिए लिया है, ऐसे का अच्छा है बहुत ज़्यादा इतना। तो यूजुअली ये अच्छी अभी आई थिंक रणजी के लिए इसको लिया है, तो रणजी में यू ऑल नो दैट कि बाउंसर आता है तो कभी कभी लग जाता है, तो इसलिए जरूरी है। तो इसका भी लो क्वालिटी वाला आता है बट ये वाला अच्छा वाला है, तो अच्छा है एसजी। तो अब ये हडल का बात करता हूँ, मेरा बस ऑलरेडी ये बड़ा वाला हडल है और वो लेदर है, तो अभी ये छोटा वाला को लिया है। तो इसका साइज देख लो आप, दिस इज द छोटा वन एंड दिस इज द बड़ा वन, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इतना दिखाई दे रहा है अभी जो कभी भी मेरा ये सब इसका जो सामान लिया उसका वीडियो बनाया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ लिया ये ग्रिप, तो ये येलो वाला जो अजीत का पसंद है और ये पिंक वाला जो मेरा है, तो लास्ट टाइम जब हम बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग ग्रिप था, तो इसलिए उसको याद करके हम लिया कि ग्रिप में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, तो इसलिए गेम में कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंट है तो रन है, स्किल होने से भी काम नहीं है ना। अजीत हंस रहे, इसलिए मेहनत भी करो, मेहनत करके आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो मुश्किल है। और ये बॉल, तो दिस इज़ द स्पेशल बॉल विच वी कैन यूज, वी कैन प्रैक्टिस फॉर T20 लाइक बाउंसर कटर बाउंसर एंड कट शॉट के लिए हम उसको कर सकते हैं एंड स्विप भी मार सकते हैं, तो ये बोल थोड़ा बाउंस होता है, इसको भी बात में अलग से वीडियो बनाएगा उसमें दिखाएगा। एंड आजकल इतना ब्लॉगिंग में फोकस नहीं कर रहा है, जस्ट फिर भी अपडेट दे रहे हैं अपना पेज में क्या करें, कुछ चीज़ स्टार्ट कर दिया तो उसको आप कुछ चीज़ का वजह से आप उसको ख़त्म भी नहीं करते, इट मीन्स आप स्ट्राइक हो रहे हैं। तो ये चीज़ सेम चीज़ क्रिकेट में भी आता है कि ऐसे ऐसे, तो इसलिए आदमी को फोकस होना बहुत ज़रूरी है। तो वही है, तो ये लाया है हम टोटल 20 पीस, तो इसका एक पीस का प्राइस है 70, तो ये 20 पीस लाया है। और ये शू लिया है क्या था भाई इसका प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता क्योंकि ये शू हम यूज़ नहीं करते, क्या था एसिक्स। तो ये शू लिया है, इसका प्राइस था 4,499, तो ये डायरेक्ट नया आया था, तो डायरेक्ट हम आई थिंक हम फर्स्ट थे क्या जो ये शू को डायरेक्ट लिया, तो वो दुकान वाला बोल रहा था कि आज ही आया है बोल के, तो इसलिए हम लिया है इसको। तो ये सबसे नया मॉडल है एंड बढ़िया है, नया मॉडल बात पुराना भी हो जाएगा, मज़ा है, ब्लैक है, इसको आप कैजुअल में भी पहन सकते हैं। और इसको तो मेन चीज़ हम इसको यो टेस्ट के लिए लिया है, बहुत हल्का है ऐसे, इसका एसिस बहुत हल्का है, तो
या मेन योगा के लिए लिया है, उसका एजिलिटी के लिए लिया है, वही है। अब भैया आपको बहुत देख रहा है, थोड़ा जल्दी करता है। और ये लिया ग्लोब, तो ये ग्लोब जो है ये फिंगर कटिंग है, तो हम यूजुअली हम पहनते हैं फिंगर कटिंग। उसका रीज़न ये है कि हम लोग का जो उंगली है उसमें बीच में ये सब है, देख रहा होगा ये सब जॉइंट जॉइंट है ना, तो ये भी ऐसा है, तो इसलिए आई लाइक फिंगर कटिंग। तो इससे थोड़ा बेत को पकड़ने के लिए इजी हो जाता है। तो ये हम लिया है चार पीस, एक का था 2400-2300 ऐसा कुछ समथिंग है। तो हम चार पीस लिए, एक अच्छी नगा, दो अच्छी नगा के लिए लिया और दो मेरा ले लिया, और मेरा है मतलब अजीत भाई के लिए भी है। तो आप लोग क्या बोलेगा, एक ही खून तो नहीं है बट फिर भी भाई भैया जैसे ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है अजीत चला गया, हम दिखाएगा। तो नेक्स्ट हम लिया है ये शू। तो ये शू क्यों लिया बोलने से, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर है, वो सब हमको बहुत मज़ा लगता है। ये है जोगर्स, तो ये रनिंग भी जुड़ेगा। तो स्पाइक का हम लिया था लास्ट टाइम, तो एक साल भी नहीं चला, एक साल ही चला है, वो टूट गया था। तो अब रफ भी बहुत यूज़ किया है, उसको कभी धोता भी नहीं था। तू भी फ्रैंक क्या बोलेगा, क्या छुपाना है इसमें, धोता भी देता है, तो इसको तो हम बहुत धोएगा अभी। तो इसका हम स्पाइक वाला भी लिया, इसका दो लिया है। तो ये एक ये वाला जो है 4000 एंड स्पाइक वाला है 6000। तो इस साल तो डिस्काउंट हुआ, लास्ट टाइम था 8000। तो ये वाला स्पाइक है, तो ये मेरा बोलेगा तो बॉलर तो हम नहीं है बट फिर भी हम पार्ट टाइम स्पिनर है, तो स्पिन करने से काम आएगा उसका फील्डिंग में, तो क्या बोलेगा। और ये शू मज़ा है, मतलब वाइट है तो इसको आप देश में पहनेगा तो वाइट के साथ मैच होगा, और T20 में पहनेगा तो उसमें मैच होगा क्योंकि वाइट बॉल होता है और नीचे वाइट मैच होता है, जूता वाइट होने से मैच ही होता है सबके साथ और ब्लैक। तो उतना सामान का देखो, इतना थोड़ा सामान है फिर भी इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, क्या बोलेगा। सब मेरा अच्छा अच्छा ब्रांड का लिया है, तो अराउंड गया है 54000 एंड प्लस हम साइकिल लिया, साइकिल को बाद में कभी दिन दिखाएगा। तो उसके बाद अभी थोड़ा नॉकिंग करेगा एंड डायरेक्ट आज सुबह ही पहुँचा है, पहुँच के जाकर नॉकिंग करेगा। क्यों बोले से, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम के साथ आपको चलना पड़ता है, नहीं तो आप टाइम से पीछे रह जाता है, मतलब आप दूसरा से पीछे रह सकता है। तो ये चीज़ अभी हम बहुत अच्छे से सीख गया है, पहले भी मालूम था चीज़ को बट प्रैक्टिकली जब आपको वो झटका लगता है ना तब आप समझता है कि वो झटका आपको क्यों लगा, एंड झटका लगना बहुत ज़रूरी है, वो झटका आपको मिल चुका है। तो अभी आई एम गोना गिव माय सेल्फ लॉट्स ऑफ टाइम, आई एम गोना गिव माय सेल्फ लॉट ऑफ स्पेस, तो अभी पूरा प्रैक्टिस करेगा। और सोनू भैया ईटानगर चला गया, नहीं तो वो भी शायद होना था, क्या करेगा, सोचा था सो रेस करेगा बट फिर फील किया कि वो अंदर से आया कि नहीं दौड़ियो लेट्स डू इट वाला, तो इसलिए। और अभी मेरा ड्रोन भी है, तो लास्ट थोड़ा ड्रोन के शॉर्ट से उस कुछ वीडियो होता, तो उसमें आप देख लो उसमें हम कैसे कैसे करेगा। तो मिलते हैं ड्रोन के शॉर्ट के बाद। आई एम डन विद माई प्रैक्टिस एंड क्या बोलेगा, वो थक गया है। तो आज का प्रैक्टिस थोड़ा शॉर्ट था, अच्छी नगर को बहुत ज़्यादा बॉल फेंक दिया, उसके बाद अजीत और हम थोड़ा सा नॉकिंग किया है, दो दो राउंड का हम एक एक्स्ट्रा किया है क्योंकि हम सीनियर है, बड़ा है, और ड्रोन का दो बैटरी लाया था, इतना यूज़ नहीं हो रहा। तो अभी ड्रोन को पैक करेगा, उसके बाद घर जाएगा, फिर घर में मेरा साइकिल को बाइक को दिखाएगा। और साइकिल को किस लिए लिया है बोलने से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिटनेस के लिए लिया है, एंड घर में भी सब साइकिल चलाने सीखेगा, एंड साइकिल चलाने सीखा है मतलब स्कूटी सीखेगा, स्कूटी सीखा है मतलब गाड़ी सीखेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। तो सबसे पहले मम्मी को सिखाएगा क्योंकि मम्मी का अभी ऑफिस हो गया यूपीआ में, तो यूपीआ में अभी उसको चाहिए स्कूटी, तो स्कूटी भी मम्मी को एक ले देगा सोच रहे। तो उसके लिए पहले मम्मी को सीखना पड़ा बैलेंस एंड रास्ता में कैसे कैसे चलाना है, तो ये साइकिल से मम्मी वो सीखेगा, उसके बाद मम्मी को एक स्कूटी किन देगा। एंड अभी मम्मी को स्कूटी ले देगा, तो प्लीज़ मम्मी को थोड़ा हल्का वाला पसंद है, तो कौन सा स्कूटी लेगा उसको आप प्लीज़ सजेस्ट करो नीचे में, उसका लिंक पे जो भी भेजो, फोटो भेजो, कुछ भी भेजो, प्लीज़ सजेस्ट करो कि मम्मी के लिए हम कौन सा स्कूटी लेगा। तो एक दोस्त था TVS बोल रहा था, एक बोल रहा था डियो, डियो तो थोड़ा बड़ा होता है क्या, और यमाहा भी बोल रहा था, तो
बट अब आप सजेस्ट करो, आप सजेस्ट करके देखो कौन सा स्कूटी लेने से अच्छा है। तो ये पे ख़त्म करते हैं ब्लॉग, एंड मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आई थिंक ड्रोन ऑन मेरा वो सामान जो है बेड का नॉक, मैं दो बेड नया लिया उसको दिखाएगा आपको। तो सी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, कैसे करके नेवर स्लीप।